नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं तापस। स्वागत करता हूं हमारे तापस फार्मासिस्ट चैनल में। दोस्तों, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग हमें ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा ही प्यार देते रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्त्री पुरुष सभी के लिए बेनिफिशियल एक दवा सुपारी पाक का बारे में। दोस्तों, सुपारी पाक एक ऐसा आयुर्वेदिक दवा है जो स्त्री और पुरुष दोनों का प्रजनन अंग पर असरदार है। दोस्तों, सुपारी पाक का कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें मुख्य घटक सुपारी है, साथ ही इसमें गाय का दूध, गाय का घी, चीनी का मिश्रण है। इसके अलावा इसमें बाला, इलायची, पीपली, नागबाला, जायफल, जावित्री, तेजपात, शिवलिंगी, तालिशपत्र, सौंठ, दालचीनी, मोथा, हर्रे, बेहड़ा, आंवला, बंसलोचन, सतावर के अलावा और भी बहुत सारा असरदार जड़ी बूटियां और खनिज का मिश्रण है। दोस्तों, ये दवा एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल से महिला ल्यूकेरिया और गर्भाशय की प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम में भी ये दवा बहुत फायदेमंद है। साथ ही महिलाओं का गर्भाशय को ताकत मिलता है ये दवा का इस्तेमाल से। दोस्तों, डिलीवरी का बाद महिलाओं काफ़ी कमजोर पड़ जाती है, उनको बहुत सारा दर्द को झेलना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन में डिलीवरी का बाद इसका इस्तेमाल से महिलाओं का शरीर में बल मिल जाता है, उनका योनि संकुचित भी हो जाती है। ल्यूकेरिया का कारण से जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कमजोरी, थकापन, खून की कमी, सिर दर्द, कमर दर्द, पैर में दर्द, ये सब इस सुपारी पाक का इस्तेमाल से दूर हो जाती है। दोस्तों, कुछ महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाने का प्रॉब्लम दिखा जाती है, उनके लिए ये दवा अमृत समान है। दोस्तों, महिलाओं का साथ पुरुष के लिए ये दवा समान असरदार है। सुपारी पाक का इस्तेमाल से पुरुषों का शीघ्र पतन, वीर्य विकार, शुक्राणु की कमी जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसका डोज का बात करें तो 12 से 24 ग्राम तक दिन में दो बार खाना खाने का बाद दूध या पानी से लेना चाहिए। इसका डोज ताकत, उम्र और पाचन शक्ति का अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, ये सेफ आयुर्वेदिक दवा को टाबर, बैद्यनाथ, हमदर्द जैसी और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है। दोस्तों, इसे कोई भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये था सुपारी पाक का जानकारी। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसा ही यूनिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कीजिएगा जरूर। दोस्तों, मैं तापस इस वीडियो को आज यहाँ ही खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कोई खास यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।